गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है मेरा डे 49 of 75। तो यहाँ मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और मैंने ले लिया अपना फर्स्ट ड्रिंक। तो ब्रेकफास्ट में मेरी ये रही आटा ब्रेड, और आयुष के लिए लगाया मेयोनी और अपने लिए नहीं लगाया मैंने। तो ये वाला रूम में आयुष के सिर्फ आज से टॉय रहेंगे। और इसके बाद मैंने बनाया लंच। लंच में मैंने बनाया दाल चावल। और फिर इसके बाद आयुष सो गया था तो मैं गई बाहर। तो लगभग 4 बज रहे थे और कोई सुबह शाम का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं धूप कब आएगी। ऐसा लग रहा है फरवरी में ही आएगी धूप, क्योंकि जनवरी में तो मुश्किल है। और यहाँ देखिए मैं बिना सॉक्स के, क्योंकि मैंने आज लगा रखी है ना अपने नेल पेंट, तो वो दिखाने के लिए मैं बिना सॉक्स के घूम रही हूँ। मजाक से हटके, मतलब क्या हुआ था कि सॉक्स सूख ही नहीं रहे हैं और ज़रा सा भी गीला हो जा रहा तो उन्हें पहनने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मैंने तीनों जोड़ी सॉक्स जो है वो सारे ऐसे ही रखे हुए हैं मैंने, तो सूखे नहीं हैं वो। इसलिए मैं चलेगी बाहर और पता नहीं चल रहा है कि पैर है कि नहीं है, क्योंकि इतने ठंड में सुन्न हो चुके बिल्कुल। इसके बाद मैं आते वक्त लेकर आई अपना मिल्क वगैरह। तो इसके बाद फिर मैंने किया अपना घर पे आके वर्कआउट। और आयुष अभी भी सो ही रहा था, तो लगभग मतलब आधा घंटा तो हो ही चुका था, तो अभी तक सो ही रहा है। बीच में उठा था जैसे मैं वर्कआउट कर रही थी, तो बीच में उठा था तो फिर मैं दोबारा उसको सुला कर आ गई हूँ और बस अपना वीडियो कंप्लीट किया। तो ये सारे एक्सरसाइज के इसके बाद मैंने लगाए 20-20 के 5 सेट। कसम से बताऊँ इतनी ठंड थी ना कि मैं किचन में खड़ी हुई, मैं सोच रही मैं क्या बनाऊँ, सब्जी रोटी, तो मैं ठिठुरने लग गई। और मैंने फटाफट से जो आटे का चीला होता है वो बनाया, साथ में लिया घी जो कि मैं आयुष के चेले पे लगाने वाली हूँ, और दूध भी आयुष ही पिएगा। और इसके बाद मैंने पढ़ी अपनी बुक। तो बुक में आज मैंने पढ़ा कि ऐसे लक्ष्य को तय करें जो स्पष्ट हो, चुनौतीपूर्ण हो और जिन्हें हासिल किया जा सकता हो। इसी के साथ मेरा ब्लॉग होता है एंड। और ये रही मेरी आज की सेल्फी। पानी का टास्क भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। तो एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।